हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी विल द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। कौन सी वैल्यू पी की, कौन सी वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लाइन है वो पैरेलल होगी। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और सेकेंड पेयर दिए 6x माइनस टू वाई माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि चैनल वीडियो को आगे देखें उससे पहले, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना ना। यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है उसके लिए पहले आप लोग ऐसा लिख दो, 3x माइनस वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या है, 6x माइनस टू वाई माइनस पी इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन ऐसे होती है कि ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? तो यहाँ पे हमें पी वन की वैल्यू है, तो पहले तो ए वन बी वन सी वन निकाल लेते हैं। तो ए वन की वैल्यू 3, बी वन की वैल्यू माइनस वन, सी वन की वैल्यू माइनस फाइव और उसी तरह यहाँ पे ए टू की वैल्यू 6, बी टू की वैल्यू माइनस टू और सी टू की वैल्यू माइनस पी। ना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये सिंपल सी कंडीशन के बेज आप वैल्यू पुट कर दो, तो बी वन की वैल्यू क्या है माइनस वन है, बी टू की वैल्यू क्या है माइनस टू है और यहाँ पे ए वन सी वन की वैल्यू क्या है माइनस फाइव है और सी टू की वैल्यू क्या है, सॉरी सी टू यानी कि पी पी की वैल्यू क्या है। ना यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा कुछ तो प्लीज। और यहाँ पे भी माइनस पी था तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहाँ पे पी डिवीजन में वो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा, वन इंटू पी इज नॉट इक्वल टू फाइव इंटू टू। तो यहाँ पे पी इज नॉट इक्वल टू 10, तो पी की वैल्यू एक्सेप्ट 10 10 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो आपको ऐसा कहे कि पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए, तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10 यानी कि ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हो कि पी की वैल्यू क्या होने नहीं चाहिए, 10 नहीं होने चाहिए, तो एक्सेप्ट 10। एक्सेप्ट 10 के अलावा सारी वैल्यू के लिए गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो कैसे होगी, पैरेलल बन जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माई वीडियोज।